मेरा भी क्या लेना है इसने? आई थिंक इसने वो लेना है पीछे का हाथ, ये नहीं ये वाला। अभी तक आप लोगों ने तो सब्सक्राइब नहीं कर दी। सुबह के बज रहे हैं 8:30 और हम लोग जा रहे हैं माहौल के स्कूल में। आज इसका कैंप लगा मेडिकल चेकअप कराने के लिए, सो मैं साथ जा रही हूँ नींद अपनी ख़राब करके। सो जल्दी से जाते हैं और वी आर लेट वहाँ जाकर वहाँ सूते हैं जो भी आप लोग दिखाएंगे। रेडी हो चुकी है अपना स्कूल जाने के लिए ना? हाँ जा रही हो जी। हम जा रहे हैं मानो के पानी के बोतल पकड़ लिए क्योंकि प्यास उसको बहुत ज़्यादा लगती है। हाँ चेकअप करवाते हैं, लेट्स सीट देखते हैं क्या सुंदर से मानो। इसको मुझे ईयरफोन बहुत पसंद है ना मानो? चलो आज तुम्हारी पेंट लगने वाली है, आज तुम्हें बताऊंगी सोती नहीं हर चीज़ के मेरे संदे। ये है स्कूल का व्यू। अच्छा जी, हम लोग आ चुके थे घर वापस और आपको मेरी आवाज़ लगा कर मैं सो के उठी। जी बिल्कुल सही समझा आपने कि मैं अभी सो के उठी हुई हूँ क्योंकि मैं रात सारी सही से नहीं सोई थी। फिर उसके बाद वहाँ पे खपना इतना ज़्यादा वहाँ पे रश था, मेडिकल कैंप लगा था। लेकिन बेसिकली ये था कि वहाँ पे आपके साथ कोई पेरेंट्स जाते हैं ना, उनका बकायदा से इंतजाम बिल्कुल भी नहीं किया था कि वो बैठ के अपने बच्चे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर ले या कुछ कर ले। तो मोस्टली मैं 3 घंटे या 2.5 घंटे खड़ी रही और मुझे पता लगा मिनट आ गए कि जितनी बस हुई। फिर मेरी हिम्मत बिल्कुल जवाब दे गई कि मैंने घर आई ना कुछ खाया ना कुछ पिया, मैं डायरेक्ट आके सो गई क्योंकि मुझे चाहिए था कि मैं थोड़ा माइंड से भी थोड़ा रिलैक्स हो जाऊं और थोड़ा वैसा फील अच्छा हो जाए। क्योंकि आपको पता है तो शिफ्टिंग हो रही है, ऊपर से काम इतने ज़्यादा होता है, जब नींद पूरी ना हो तो सर में दर्द हो जाता है। फिलहाल नींद पूरी करके मैं उठ चुकी हूँ और अभी फ़िलहाल जो है मैं अपने खाने का कोशिश करती हूँ और मैं देखती हूँ उनके क्या मना है और खाते हैं, पेट की पूजा करते हैं। और शाम हो रही थी तो वहाँ उनको देख नहीं पाई, लेकिन इस लड़की ने अभी भी रेस्ट नहीं किया और सब अच्छा था। डॉक्टर्स बहुत अच्छे थे वहाँ के, उन्होंने प्रॉपर चेकअप किया महानूर का और मेडिसिन दी। मैंने इसका चाहिए था कि इसको साथ लेके गई, इसीलिए लेके गई क्योंकि ये जाके वहाँ पर अपना चेकअप, मैं इसके साथ इसलिए गई थी क्योंकि ये अपना चेकअप जो है सही से नहीं कर बता पाती, थोड़ा नर्वस हो जाती नए लोगों को देख के। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसने खुद आज कवर किया, शूट वगैरह ना अलाउ नहीं था इस वजह से मैंने नहीं किया, वरना मैं आप लोगों को दिखाती। लेकिन छोटे मोटे क्लिप ना वो आपको इस ब्लॉग में ज़रूर देखने मिलेंगे। अच्छा टोटली उन्होंने सारा हमसे पूछा कि आपकी सिस्टर ऐसी क्यों है, ये फलाना है। तो मुझे इंस्टाग्राम में कमेंट्स भी आते थे। देखिए ये एक स्पेशल बच्चे होते हैं जो हमारे लिए बहुत ख़ास होते हैं और मानो हमारे लिए बहुत लकी वन है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसको देख के ये नहीं कह सकता कि स्पेशल है, उसे ये देखा था कि एक नॉर्मल इंसान है, ये नॉर्मल इंसान ही होती है, अल्लाह ताला के बहुत ख़ास बच्चे होते हैं। तो उन्होंने काफ़ी सारे सवाल किए, कुछ मम्मा के देने वाले थे कुछ मैंने, बट जितने मुझे आते थे मैंने रिकवर कर दिया, मैंने अच्छे से डील कर दिया और एवरीथिंग डन हो चुका था। तो फिर मैंने कहा कि जाहिर बात है महानूर हमारी बहन है, लेकिन उन्होंने देख के बचाने की शी इज़ वेरी एक्टिव। आप लोगों ने अपनी फैमिली माहौल को ऐसे रखा हुआ है कि ये इस माहौल में रह के आप लोगों को कैच करती है, सही से बात करती है, एवरीथिंग अपना सारा काम खुद बहुत अच्छे से कर लेती है। और माशाल्लाह आप ब्लॉग में देखते हैं कि कितना सही बोलती है, स्टोरी एवरीथिंग मीन्स लाइक करो सब्सक्राइब करो, उसको हर चीज़ का एक नॉलेज है। तो बेसिकली ये चीज़ें होती हैं, आप लोगों के अंदर हो, आप लोगों के पेरेंट्स के अंदर और आपकी फैमिली के अंदर ये चीज़ हो ना, तो आप बच्चे को सही से गाइड कर पाते हैं। मोस्टली मैंने वहाँ पे ऐसे बच्चे देखे जिनकी माओं को परवाह नहीं है, उनके बाल बिखरे हुए हैं, उनको नहाने का या कुछ भी, तो वो बच्चों के साथ तो ज़्यादा करें साथ अपने साथ भी ज़्यादा करें क्योंकि औलाद उन्हीं की है। तो हमने हमेशा इसको बहुत अच्छा ट्रेन किया, पहले मरियम करती थी, फिर भैया करता था, देन मैं अब इसको कर रही हूँ। साथ साथ मम्मा जो है वो स्टार्ट से बहुत ज़्यादा केयर कर रही है इसकी, इसकी हर एक ख्वाहिश पूरी करना, इसके मुताबिक मीन्स के हर बात मानना, इसको प्यार से डील करना, ये चीज़ें बहुत छोटी छोटी होती हैं, आपको साथ साथ देख के जानी पड़ती है, आपको पता चलता है कि बच्चे को डील कैसे करना। तो ये बच्चा हमारे लिए बहुत स्पेशल है, आप लोगों ने देखा होगा मैंने कभी इसको डांट डपट नहीं की, हमेशा इसकी हर फरमाइश पूरी की। इसको पता है कि मैंने ये चीज़ नहीं खानी तो मैंने फरमाइश खानी, मुझे ये चीज़ आती। सो बस यही था और अल्हम्दुलिल्लाह चेकअप वगैरह हो गया, मेडिसिन दिए वो खिलानी है, क्रीम दी है इसको और सब कुछ भी है। सो अभी फिलहाल नीचे चलते हैं और मगरिब
टाइम भी होने वाला है, उसके बाद जी हम कुछ खाते हैं। उनके स्कूल में से ये मिला है, इसमें इसकी सोप है, टूथपेस्ट है, टावल है, ये क्या है, टूथपेस्ट है ना, और भी काफ़ी चीज़ें हैं, साथ टूथब्रश, पेस्ट। आपका आपका टूथब्रश कहाँ पे है? ये हाँ, ये मानू का है। सोप का आपका सोप? ये हाँ, कॉम्ब भी है, इसका नेल कटर भी दिया है, छोटा सा नेल कटर छोटा सा नेल है।